पलटन बाजार बैठते जैसे यथा नाम तथा गुण, कभी यहाँ पर अंग्रेजों की पलटन रहा करती थी, इसलिए पलटन बाजार इसका नाम पड़ा। और पलटन बाजार में सबसे बात यह है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना मिलती। अगर हम रेलवे स्टेशन से पहले यात्रा प्रारंभ करते हैं, लाला जी की दुकान हुआ करती है हलवाई की, और बिल्कुल सामने जो आज होटल बन चुका है, उसके बाद पलटन बाजार में एक जो राजा रोड है नागलियों का, ये नागले परिवारों के लिए हैं। और ऊपर चले जाओ थोड़ा सा ऊपर को तो वस्त्र अलग है, और फिर जहाँ कोतवाली है या पुस्तक है जैसे जुगल किशोर की है, धार्मिक पुस्तक मिलने का अच्छा स्थान है। यहाँ पर एक रसगुल्ले वाला हुआ करता कोतवाली के ठीक सामने, बहुत ही फेमस रसगुल्ला हुआ करता था जो अभी 5-7 साल तक था। इसके बाद पलटन बाजार में किशन ब्रदर्स नाम के थे, जो कपड़े की दुकान थी शुरू में घंटाघर के पास, किशन ब्रदर्स, इनका कपड़े का काम सबसे बड़ा था। रामलाल और श्यामलाल घड़ीबाज शर्मा, यानी रामलाल मिश्रा और शर्मा वाच कंपनी, ये मेन घड़ी साज थे दो, जो कि घंटाघर से अगर जाओ तो PNB बैंक के बराबर में ही जो रामलाल और शर्मा वाच कंपनी है। पलटन बाजार में सबसे खूबी ये है कि सजावट पूरी होती है, भले ही सामान आप 2 रुपए का लें या 10 का लें, व्यवहार कुशल व्यापारी हैं। पहले पलटन बाजार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, जैसे अगर चक्कू मोहल्ले से गया तो पकौड़ी खाते हुए निकल गया, किसी ने दूध पी लिया, फिर कुमार जी के यहाँ गया मीठा खा लिया, आइसक्रीम ले ली, चट्टो वाले गली में गए तो चाट खा ली, और अगर अंदर को चले तो एक इमरती वाला आता था जो मच्छी बाजार के मोड़ पर था, उसकी इमरती बहुत फेमस थी। श्रृंगार का सामान कोतवाली के सामने शुरू से बिका, और आज भी वहाँ पर श्रृंगार के सामान की दुकान है। यहाँ पर एक रामा मार्केट है जो अब कपड़े का हो गया है, इसमें पहले स्टेशनरी वगैरह ज़्यादा थी, अब कपड़े का मार्केट हो गया रामा मार्केट। इसी प्रकार से यहाँ पुरानी पुरानी फर्में हैं कई, और इन्हीं रोडों पे देखा जाए तो प्रभा टाकेट, दिग्विजय टाकेट, छायादीप, ओरिएंटल सिनेमा, अर्थात सब पलटन बाजार की इर्द गिर्द हैं। तो घूमते हुए आदमी जाते थे या पिक्चर छूटते थे तो पलटन बाजार में ही आते थे, तो एकमात्र मार्केट पलटन बाजार। पलटन बाजार की शोभा इसलिए अत्यधिक रहा करती थी, अगर रेलवे स्टेशन से आदमी पैदल जा रहा है तब भी पलटन बाजार से निकलते थे ज़्यादातर, तो पलटन चूँकि साधन नहीं थे पहले चलने के, ज़्यादा टांगा घूम के आया करता था, कम मात्रा में था, तो इसलिए पलटन बाजार में भीड़ रहना स्वाभाविक था। कुमार स्वीट शॉप पर आ जाओ मीठे के लिए, अगर वहीं चले जाओ तो खाने के लिए चट्टो गली प्रसिद्ध थी, जहाँ पर चाट वगैरह 1947 से चाट वाली गली, चाट वाली गली का नाम ही यही, सारे चाट वाले बैठे हैं, गली का नाम ही यही फेमस गली है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ दूर दराज के लोग आते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग जो बाहर रहते हैं वो स्पेशल यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, स्पेशल जिसे कहते हैं कि एक टाइम उनका भी था, कभी यहाँ भी आते थे बचपन में, कभी कॉलेज भी जाते थे तो यहाँ आते थे, छोले भटूरे खाते थे। इसमें हमारा पहले भटूरे का काम था जो हमने 50-55 साल से लाया, उसके बाद फिर मैं अपना चार का काम में आ गया। फिर और ये पलटन बाजार कहते हैं
पहले भी ऐसी थी कि मतलब बहुत बदल गई है पलटन बाजार? पलटन बाजार तो शुरू से ही है, वही दुकानदार वही है, सब सारे काम करने वाले वही व्यापार सब कुछ अपनी जगह में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वही है कि टाइम टाइम के हिसाब से थोड़ा फैसिलिटी बदल गई, दुकान का रूप बदल गया, आरती बदल गया, ये जरूर है। लो बेटा ये आपकी टिक्की, टिक्की पापड़ी। कई जगह है ऐसी बात थोड़ी है, यहाँ तो देवों को देवों की धरती है, देवों की धरती है, पहाड़ में चले कहीं भी चले उसमें, और कई ऐसे हैं जैसे यहाँ टपकेश्वर मंदिर है दूर दूर ना चारे का, वहाँ कभी तपस्या करते थे वहाँ, और आज भी गुफा का नाम जो है वो है टपकेश्वर महादेव। ना सुख शांति है भाई यहाँ, ये तो पहले नंबर में, जितनी सुख शांति यहाँ वो कहीं नहीं है। आप मतलब पैदा ही नहीं हुए देहरादून में? नहीं, यहीं के पैदा हुए, यहीं देहरादून थे। हमारे जो परदादा हुआ करते थे वो थन, हमारे जो परदादा हुआ करते थे वो थन 47 पर जब इंडिया पाकिस्तान में जब वो छिड़ा था हैं, तब वो यहाँ पे हम आके बचे थे हमारे परदादा। देहरादून में तो क्या चीज़ नहीं है मुझे बताओ, बेकरी के मामले में नंबर वन है, जिनको जो दूसरे शहरों में कोई छोले कतलम्बे का नाम नहीं है वो यहाँ बिकता है, बिकता वो नाश्ते के टाइम में चलता है छोले कतलम्बे। अभी आप छोले कतलम्बे अभी आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा वो खाली देहरादून में मशहूर है, वो बाहर के लोग आते हैं बड़ा इन्जॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूड़ी पाड़ी की दुकान भी है और भी बहुत सी दुकानें हैं, बेकरी हमारे बाज़ार में चले जाओ, शंघाई बेकरी वाला, गलौड़ बेकरी वाला, बहुत सी सारी दुकानें हैं।